Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी को चरण में धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी थोड़ा बहुत मैं प्रयास करूंगी भगवान के बारे में तो कुछ बोलने का और मैंने नीता सेवनी माता जी का थोड़ा बहुत सुना है उसी से प्रयास कर रही हूँ और मेरा भूल त्रुटि होगा तो आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरा पहला फर्स्ट टाइम तो आप सभी वरिष्ठ भक्त हैं और सभी का ब्लेसिंग्स लेके मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ हरे कृष्णा जय राधा रानी की जय राधा दामोदर की जय हरे कृष्णा दामोदर लीला गोकुल महावन में हुआ था जब भगवान जब 3 साल का था और यशोदा माता जब दधि मंथन कर रहे थे भगवान कृष्ण रोज जल्दी देर से उठता है लेकिन उस दिन जल्दी उठ गए और माता को खोजते हुए भगवान बाहर आके देख रहे थे कि माता वो दही मंथन कर रहा था लेकिन भगवान का ये पसंद नहीं हुआ भगवान फिर दधि का वो मंथनी को होल्ड किए और बताए और माता उसके माता सोच के भगवान को भूख लगा है तो भगवान को जल्दी से वो भगवान माता के लैप में चढ़ गए और माता यशोदा माता भगवान को दूध पिलाने लगी और अचानक माता को यशोदा माता को अचानक याद आया कि वो पद्मगंधा वो गाय का जो दूध उन्होंने चूल्हा पे बिठाया था वो उसको मतलब गिरा वो गिर जाएगा फिर याद आ गया तो यशोदा माता ने फिर भगवान को रख के नीचे और जल्दी भाग के रसोई में ये चले गए और इस बार भगवान बहुत गुस्से हो गए कि मैं आपके पास हूँ और बहुत सारा योगी मुनि ऋषि जो बहुत स्तुति करते हैं या बहुत शास्त्र पढ़ के भी मुझे पा नहीं सकते तो मैं आपके पास हूँ और आप मुझे छोड़ के भाग गए मतलब कोई अलग सा काम करने के लिए चले गए तो भगवान फिर गुस्सा हो गए और मटकी तोड़ दिया और फिर उसके ऊपर पैर रख के अलग से घर में छिप गए जाके और इसके बाद माता यशोदा ने आया आकर मतलब देखा कि तभी यशोदा माता थोड़ा हंसे कि इतना छोटा मतलब हंस रहे थे कि हम एक थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गए और इतना बड़ा नुकसान मेरा हो गया सारा घर मक्खन में मतलब वो दधी बिखरा पड़ा हुआ था और इस इधर हरी सौरी मतलब नित्य सविनी माता जी ने बोल रहा है कि भगवान बोल रहे कि मैं एक शिक्षा देना चाहता हूँ जब मैं किसी का जीवन में प्रवेश करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि भक्त सब काम छोड़ के मुझ में अपना पूरा ध्यान लगा दे मुझे सबसे इम्पोर्टेंस दे अगर कोई और मुझको छोड़ के मटेरियल या भौतिक कार्य में लगे तो उसका बहुत ही नुकसान होता है नुकसान है क्या कि हमें मानव जन्म मिला है तो हमें हमेशा भगवान को सेवा करने के लिए ये जन्म मिला है लेकिन अगर हम नहीं करें ये तो शायद हमें मानव जन्म फिर ना मिले नेक्स्ट लाइफ मानव जन्म ना मिल सकते हैं तो ये हमारा बहुत ही बड़ा लॉस है हमें यदि बुद्धि आ जाए तो फिर हम अगर भगवान बोल रहे कि अगर मेरे पीछे भागे तो उनको मैं उसका मैं पास आ जाता हूँ
यशोदा माता भगवान के पीछे भाग रहे थे छड़ी लेके, और भगवान उनके उनको कृपा करके माता के माता ने भगवान को पकड़ लिया था। लेकिन भगवान को हम वैसे पकड़ नहीं पाते हैं, नहीं सकते है पकड़ सकते हैं। अगर भक्ति है, भक्ति के वश में भगवान है, और भक्ति के कारण ही हम भगवान भक्ति अच्छी तरह से करें तो भगवान को हमें पकड़ में आ जाता है। और सत्यव्रत मुनि इधर बोल रहे हैं यदि कोई भक्त भक्ति से भगवान को बंधन करना चाहते हैं तो भगवान बंध जाते हैं। हरिशौरी ने बोला है कि भगवान सोच रहे हैं कि भक्त जब भक्ति करते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ दूर हो जाते हैं। और यहाँ मैं माता यशोदा के पास खड़े हूँ, लेकिन माता का क्रोध नहीं कम हो रहा है। तो इधर माँ सामने है और माँ का क्रोध नहीं कम हो रहा है। तो भगवान इसलिए माता को बोला कि माता आप छड़ी फेंक तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और इधर यशोदा मैया प्रेम से भगवान को फिर पकड़ सकते हैं। और 10th कंडो में जरासंध के मथुरा अटैक के बारे में माता जी बोल रहे थे, नीताई सेविनी माता जी, कि भगवान जब काल यवन आया था युद्ध में, भगवान उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो रणभूमि छोड़ के भगवान धीरे धीरे चल रहे थे और कल यवन उनके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन भगवान के दौड़ रहा था, लेकिन हमें भगवान को पास पहुंचने में मतलब भगवान दौड़ रहा इधर यशोदा माता जब भगवान के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन यशोदा माता फिर भगवान को पकड़ सका है, क्योंकि माता यशोदा का बहुत ही भक्ति था। और हरिशौरी ने इधर बोल रहा है जब भगवान को हम पा लेते हैं तो हमें कोई भौतिक विषय के बारे में हम भौतिक विषय छोड़ देना चाहिए, भौतिक विषय के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। सत्यवती मुनि ने बोल रहा है कि भक्त जो वो है सब आनंद लेते हैं, भगवान के लीला से बहुत ही आनंद लेते हैं। अहम भक्तान पराधीना, मतलब हम सभी भक्त भगवान भक्त के अधीन है। और सत्यव्रत मुनि ने ये भी बताए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, एक्चुअली भक्त को भी मोक्ष नहीं चाहता है, कोई भक्त मोक्ष नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि भगवान का भक्ति करने के लिए। और सत्यव्रत मुनि का गोपाल बालक रूप बहुत ही पसंद था, उन्होंने बोला कि गोपाल बालक रूप सदा मन में बसा रहे। और भक्ति रसामृत सिंधु में प्रार्थना तीन प्रकार का है ये बोल रहा है माता जी ने बताया। समिक प्रार्थना अर्थात भगवान का ग्लोरिफिकेशन, और दैन्य बोधि का ये जो है भगवान हम भक्त नहीं है हमें क्षमा कर देना, कृपा कर देना, और लालसामयी प्रार्थना दया करके भक्ति दीजिए, रक्षा कीजिए हमारा, तो इसके बारे में माता जी ने बताए हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य था, उन्होंने उनका क्लास छोड़ के वृंदावन गए थे, और फिर वृंदावन में देखे, फिर जब वापस आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज। तो भक्त ने सोचा कि महाराज ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि हम तो वृंदावन गए भगवान का दर्शन करने के लिए, हाँ लेकिन गुरुदेव ऐसे क्यों पूछ रहे। तो उन्होंने समझाया कि जब भक्ति नहीं है विग्रह में भगवान नहीं दिखाई देते, सिर्फ मूर्ति दिखाई देते, भक्ति अगर होगा तभी भगवान दिखाई देते हैं, भगवान का उपलब्धि हम भगवान को हम देख सकते हैं मन से। और भगवत और ये भक्ति आता है भगवत अध्ययन, गीता अध्ययन,
और इससे और भक्त संघ करके और माता जी नीताई मानसेविनी माता जी ने बताए एक वेरी स्पेशल फर्स्ट टाइम है जो हुआ था कार्तिक मंथ में एंड इट डिड हैपन इन नॉट इन गोलोका बट इन गोलोका. ये जो गोलोका का फर्स्ट टाइम है द सोर्स ऑफ दिस फर्स्ट टाइम इज कृष्णा करुणामृत रिटन बाय बिल्द मंगल ठाकुर. ये जो है 110th श्लोक ऑफ कृष्णा करुणामृत एंड इट इज अ कमेंट्री गिवन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी. In that commentary, he talks about a particular beautiful pastime and quotes a shloka from Vaivarshita Puran where he says that actually ye jo Damodar month hai, ye celebrated hai Damodar month because it is Radharani who tied Krishna by the stomach. What happened in Goloka, Radharani and Krishna had decided to make. Ek din Radharani aur Krishna, unhone decide kiya they will meet at a particular time. लेकिन कृष्णा बहुत देर दो घंटे बाद में आए और फिर राधा रानी बहुत ही गुस्से हो गए कि इतना क्यों देर हो गया. तो कृष्णा बोल रहे थे कि बहुत ही गुस्सा हो गया है राधा रानी और कृष्णा का बात राधा रानी नहीं मान रहे थे. तो बोल रहे थे कि जो कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरे घर में गोवर्धन पूजा था इसलिए मैया बोल रहे हैं कि ये करो वो करो इसीलिए बहुत देर हो गया आने में. तो लॉट्स ऑफ वर्क टू डू एंड मदर टोल्ड टू गेट दिस एंड दैट. सो कृष्णा का बहुत ही लेट हो गया दो घंटा और राधा रानी बहुत ही नाराज हो गए और नाराज होके कृष्णा को राधा रानी एक वेस्ट में अपना कमर में एक गोल्डन बेल्ट पहना हुआ था तो वो उसको खोले और कृष्णा का वेस्ट और कृष्णा को एक ट्री के साथ बांध दिया. आफ्टर सम टाइम जब उनका राधा रानी का जो एंगर था वो कम हो गया तो जीवा गोस्वामी इन हिज बुक राधा कृष्णा अर्चना दीपिका मेंशंस दिस फर्स्ट टाइम दैट कृष्णा इज टेलिंग राधा ओ माई बिलावेड राधा अब सुनो मेरे बिलावेड राधा रानी आई एम वेरी हैप्पी विथ यू मैं बहुत ही खुश हूँ विद द एंगर यू शोड मी एंड इट वॉज सो स्वीट एंड टाइम विद दिस रोप एंड हेंस फॉर्थ इट विल बी कॉल्ड दामोदर दाम मीन्स रोप एंड उदर मीन्स स्टमक यू टाइट मी विथ रोप आई विल बी कॉल्ड एज दामोदर. This is a very intimate pastime, so it is never ever expressed anywhere. Very special pastime which happened in Goloka, and that is the month of Kartik. We not only worship Yashoda Damodar, we also worship Radha Damodar. In fact, if we go to Vrindavan to Radha Damodar temple, जब हम जाएंगे Radha Damodar temple, if you observe keenly that in the whole month of Kartik, they actually tie Radha and Krishna. That is a golden thin rope. बहुत ही सुखर रोप है going from Radha Rani's waist, कमर से Radha Rani का कमर से कृष्णा को बंधा है. We cannot see properly because there is so much shringar. बहुत भारी श्रृंगार होता है और ये हमें दिखाई नहीं देता है. So many ornaments, but if we give एक्चुअली माता जी इधर बोल रहे थे नीताई सेविनी माता जी कि अगर हम थोड़ा दक्षिणा पुरोहित को देते हैं तो उन लोग दिखा देते हैं एंड कृष्णा दे हैड टाइड टू राधा एंड कृष्णा एंड रिमेम्बरिंग दिस अ वेरी ब्यूटिफुल फर्स्ट टाइम ऑफ राधा कृष्णा विद अ गोल्डन रोप. हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी मेरा ये छोटा प्रयास था अगर मेरा बहुत ही भूल त्रुटि होगा प्लीज आप सभी हमें क्षमा कर दीजिए. हरे कृष्णा राधा दामोदर की जय. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में. हरे कृष्णा.